जय हिंद दोस्तों, आज करनाल डेयरी से रवि नरवाल हैं, उनके साथ में प्रशांत, जिन्होंने महाराष्ट्र का एक सप्ताह का भ्रमण कराया था। आज हमारा अंतिम दिन है यहाँ पे और ये चेयरमैन साहब क्या लेके आए हमको, वो गाय दिखाने के लिए कि जो इन्होंने वहां से इनको बेची थी। हम अपनी बात कर रहे हैं, आप अब से और पीछे 20-25 साल की सोचना कि महाराष्ट्र में क्या बदलाव आया है। रात में 10-11 बजे भी नौजवान जो है मोटरसाइकिल के ऊपर दूध वाली केन लेके घूमते हैं। ये सहायक धंधा बहुत प्रफुल्लित हुआ है, इससे प्रदेश की आर्थिकता भी मजबूत हुई है और किसान भी खुशहाल हुए हैं। ब्रीड पे भी काम होने लगा है, लेकिन हरियाणा पंजाब की देन अब तक रही है, जो उसकी वजह से ज़्यादा बदलाव आया है। यहाँ की गाय दूध देती थी, लेकिन जो वहाँ से गाय आई हैं उन्होंने अधिक समय तक अधिक दूध दिया, ऐसा हमने परखा है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? उत्तम नौना डोके। उत्तम नौना डोके, हाँ। कितने पशु हैं आपके पास? सारे पूरे 64 है। 64? हाँ, छोटे बड़े ज्यादा थे। दूध पे कितने हैं समय? अभी दूध में 17 है, 16, बाकी के छोड़ देने के बाद में आई। अच्छा, हाँ। पहले ज्यादा थे? पहले ज्यादा था। कितने थे? 120 होते। तो आधे क्यों रह गए? ये करे ना, वो बेच दिए। तो खरीद फरोख्त भी करते हैं साथ में? नहीं, हाँ। हाँ। गड़ी लेबर के वास्ते बेच दिया। पहले इनके बड़े भाई देखते थे, गुजर गए जी हैं चेयरमैन। तो क्या बता रहे थे? इनके भाई देखते थे, कोरोना के टाइम वो गुजर गए। इसके बाद ये इन्होंने कम कर दिया, अकेले पड़ गए। तो हेल्पर कितने रखे हैं यहाँ पे? दो हैं। हाँ। बाकी खुद करते हैं। हाँ, कितना दूध लेता है? सुबह में होता है 240 से 240 लीटर, शाम में 200, 4.5 क्विंटल लेता है। हाँ। मैक्सिमम गाय कितना दूध देती है? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये 40 लीटर देती है। अच्छा, ये अभी इसको 2 महीने रहे, अभी 7वां महीना चला है। ये 45 से 40 लीटर के आगे चलती जो एक नंबर पे खड़ी हुई। हाँ। और इधर से जो एक नंबर पे खड़ी, ये भी पहला और अभी 7वीं में पड़ गए। पहला और उसकी पड़े, वो जो पहले एक नंबर पे खड़ी है। हाँ, उसके तो ये पड़े। कब लाए थे आप ये? ये लाने 4 साल के 5 साल हो चाहे। कौन सी ब्यात में थी? पहली ब्यात में थे, ये भी पहले ब्यात में थे। तुम्हारे पास से? हाँ जी। आपने फार्म के टैग भी लगे हुए हैं बकायदा गायों को? अच्छा, पूछ टैग है। और तो टैग तो तुमने कोई मुफ्त में दिए इनको? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये मतलब पहचान है जी भाई। तो फिर अब तुम्हारी पहचान फिर कहाँ होती है? इनकी पहचान हो गई अब? तुमने आप तो इनकी चीज़, तुम अपनी पहचान क्यों बनाए बैठे? नहीं, इनको याद भी तो रहेगा नहीं जी भाई, याद किस आदमी के पास से? ये तुम्हारी मनोदशा वर्णन कर रही है तुम्हारी बात। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो कितनी बार ब्याई है आपके पास? वो 4 बार हो गए। कितने की दी थी इसने? हाँ, कितने की दी थी आपको तब? कितना? 50,000 में। 50? हाँ, उस टाइम तो ये तो 5 साल पुरानी बातें हैं जी। वीडियो तो अभी 5 साल से तुम्हारी वीडियो बन रही है? नहीं, 23 है, 6 साल, 18 से बन रही है। नहीं, उसे वीडियो से काफी पहले ही है जी। अच्छा, ज्यादा पहले? हाँ जी, साल। तो ये प्रशांत के साथ? हाँ जी, मेरे साथ। तो कितने पैसे तुमने लिए थे फिर? नहीं, उतने में दिया था ना, उनके सामने ही दिया। नहीं तो कुछ अलग से कमीशन कितना लिया था? ऐसा कैसा कर ले, कमीशन की तो बात नहीं है, कमीशन क्या होता है, सब आमने सामने सब व्यवहार। फिर तुम्हारा इंटरेस्ट क्या, तुम फिर क्यों जाते? ये हमारे दोस्त है, हम वहाँ से जाके इतनी गाय दिखाई है, सब लेके आए, मेरा भी फार्म देख लिया। हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं। हम तो गाय लेके आकर दे सकते हैं, बेचते। हम मान लो 1 लाख रुपए की गाय इधर लेके आए, 10-20 हजार 25 हजार कौन ज्यादा लगाएगा? तो जो तुम ला करके बेच दिए वो तुम्हारा काम, इनको जो दिलाए तो वो तो पैसे फिर हो। नहीं, एक बार ये आए साथ में आए तो ये दूध तुमको देते हैं? नहीं, अभी इन खुद चालू किया इन्होंने। आपके चेयरमैन बन गए? अभी चेयरमैन बन गए? हाँ, अभी चेयरमैन। तो पहले इसको देते थे? आता था। तो तुम्हारी कमाई और घट गई? नहीं, वो क्या होता है, आप सब क्या ऐसा ही होता है क्या?
हर का अलग अलग होना चाहिए ना। अच्छा, ऐसे कैसे? कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ में? 370 किसान है पूरे। आपके साथ कितने जुड़े हैं? ज्यादा है, मेरे से 200-300 है सर। मोटे लाला हो तुम? नहीं, किसान जुड़े मतलब हमने क्या कहते हैं उसको, मोटा भाई। मोटा मानुष। मोटा मानुष। अच्छा, तो जो अब जो गाय तुमने आधी कर दी है, फिर खेती कितनी है बताया? खेती 6 एकड़ है। बस सिर्फ 6 एकड़? 6 एकड़। जो गाय बेची पैसा क्या की है? जो पैसा गाय बेची है वो धंधे में लगा है, दूध में। उसे उधर उसमें लगा दिया? हाँ, डेयरी में। जमीन नहीं खरीदे? नहीं, जमीन खरीदी करे। सही रखनी है? छह। बढ़ानी नहीं है? बढ़ानी नहीं। बच्चे कितने हैं? एक एक है, तीनों को। तीन भाई हैं। तीनों का एक एक है। हाँ। तीनों इकट्ठे। हाँ। अलग मत होना, अलग इकट्ठे ही रहना। एक है। बहुत बढ़िया बात है, ये संस्कार। हाँ। तो अब उसने जो पहले नंबर पे बता रहे 45 लीटर दूध दिया है, तो कितनी बार ब्याह चुकी है वो? ये अभी पांचवी लाइफ टाइम है। पांचवी बार बच्चा दी। दो बार उसको तीड़ा पड़ा था, वो पड़े हो गए थे। पहले के ये दूसरे नंबर उसकी है। हाँ, तीसरे नंबर के अंदर है, ये चौथे नंबर के अंदर है, तीसरे चौथे। वो 6 महीने की गाब है ये। पहली बार ये? नहीं, दूसरी बार आया अभी। पहली बार इसने क्या दिया? इस पहली बार भी इसमें खूंट दिया। कितना दूध दिया? इन्हें 27 लीटर दिया। 27 लीटर? हाँ, तीन सड़ाई दी थी, एक सड़ा अंक बंद। अब अगली बार में क्या करोगे इसको? ये तो 30 से 35 लीटर क्या? नहीं तो उसके अपनी माँ के बराबर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? जाएगी जी। क्या करना होगा? किला वो ओरिजिनल सेट बंद है, तीसरी बार में जाएगी। बिल्कुल जी, पीक नहीं था ना, कम है, एक थन कम है। एक सड़ भी खराब मतलब इसका नहीं, वो आंग ये दूध ही नहीं आया उसमें से। कबच? अच्छा, कभी नहीं आया। कबच नहीं आया, तो जमांतरू है। हाँ, जमांतरू है। तीन थाने जी, तो तीन सड़। अब ये दूसरी बार भी आएगी? हाँ, अभी दूसरी बार। 27 लीटर दे रही? हाँ। अच्छा, जो दूसरी और इसकी गाय है वो कितनी बार भी आ चुकी है? वो तो बच्ची अब बता रहे जी, 6 महीने की। कब? 6 महीने की, मतलब जो एक इस 50 उसमें बीच में के दो ये हो गए ना, गुजर गए। 50,000 की गाय ने आपको 5 लाख का दूध तो दे दिया होगा? हो, दे गया। और उसके बाद में 5 लाख की गाय भी हो गई? हो गई। तो सौदा फला। हाँ। चेयरमैन अच्छा आदमी है? तो चेयरमैन अच्छे है, फिर भी तुम इसकी बुराई करते हो? बुराई नहीं करी। अच्छा, तो ये अगली गाय जो दूसरी वाली आ गई, तो ये इसकी है? इसकी नहीं, वो उसके। उसकी है? हाँ। वो कितनी उम्र की है वो? उसका भी चौथे अंधे, चार बेद चार। उसकी भी पाड़ी छुई थी, उम्र मिल तीस पाड़ी मिली होगा महीने। वो भी तभी कैसे आई? हाँ, कितने की लाए थे वो? वो एक टाइम 8 गाय ले थे, 50,000 के। 50,000 के लॉट में? हाँ, लॉट में। अच्छा, तो इसके बाद कितनी बार जा चुके हो? एक बार ही गया था, बस एक ही बार गया। एक बार ही, बाकी फिर से नहीं गया। फिर कहाँ से लाए? इधर ब्रीड पर बनाया। अच्छा, वही बनाया। दोबारा गाय नहीं खरीदी इसने। तो ये कितनी बार ब्याह चुकी है? ये अभी 4 लाख टाइम हो गए। 4 लाख? हाँ। जैन की इसको 1.5 महीना। तो एक बार आप लाए हरियाणा से? हाँ। उसके बाद आपने अपनी ब्रीड तैयार की? आपकी एक भी कहां से भी नहीं लाया। 125 गाय अपने खुद अपनी कर? हाँ, खुद ही करके। तो उसके कितनी बच्चे जो है, कितनी बच्चियां मिली? उसके 2 ये मिले पड़े। अच्छा, बछड़े 2 मिले। बछड़े फिर क्या? हाँ, किए है ना, वो अंदर है, खेत में चलते हैं। बछड़े बेच दिया? बछड़े वो खो। हाँ, नर वो बछड़ा बेच दिया। बेच देते हैं? हाँ, बछड़ा बेच देती, बछड़ी रख देते। तो कितना? हाँ, दूध इसका बताया? 40 लीटर देता है आप भी। अच्छा। आज सुबह में भी 20-21 लीटर दूध। ये दूसरे नंबर पे जो खड़ी है, ये अभी दूसरे टाइम में, पहले टाइम में 27-28 लीटर के आगे दिया। अब दूसरे टाइम, अभी दूसरे लेफ्ट टाइम। ये दूसरे टाइम में ऑर्डर इतना बड़ा छूट गई? नहीं जी, ठीक है भाई, मिल्क यील्ड है जी, ऑर्डर तो बनेगा। देखो, जब ज्यादा दूध देगी तो गाय तो ब्रीड वाली गाय है जी, कोई घुटनों से नीचे थोड़ी। कितना कितना देगी दूध? ये कम से कम 35 लीटर दूध देगी दूसरी बार में। 35 लीटर और जैसे 45 लीटर है जी, कितना मिनरल चाहिए? 100 ग्राम जी, कम से कम 100 ग्राम जी। ड्राई फीड? ड्राई फीड नहीं जी, जैसे अभी तो प्रेग्नेंट है, जैसे 1 मंथ या 1.5 महीना, बाकी तो ट्रांजेक्शन फीड चलेगी जिनकी, तो फिर ड्राई फीड थोड़ी चलेगी जी। हाँ। तो ट्रांजेक्शन फीड चलेगी प्रेग्नेंट है, फिर उसके बाद जब मिल्किंग पे। नहीं तो अब ये दूध दे रही है ना जी? नहीं। हाँ, इसको ड्राई नहीं करेंगे?
अभी बच्चा दे दिया ये। अच्छा अभी भी आई है, देना नहीं देना, गाबन है जी अभी तैयारी पे है जी। अच्छा तैयारी पे, मैं ये तो कह रहा हूँ अब की बार 35 लीटर के आसपास दूध दे देगी, इस बार दे देगी। हाँ जी अब की बार तो गाबन है जी, अभी तैयारी पे है ये तो, एक हफ्ते 10 दिन 5-7 दिन में बच्चा देने वाली है जी। कौन सा सिम्बल लगा फिर इसको? तो आगे इसके साथ वाली जो खड़ी ये 5-6 महीने के, इसे अम्रपाल बाइप के लगाए, बाइप के। अच्छा सीमन कर रहे जो यहाँ के हैं जी, वो सीमन लगाए यहाँ के लोकल। तो ये कितने पहली ब्याज के दूसरे की? ये दूसरे बात ब्याज में चाहिए तीनों। पहले बार में कितना दूध देगी? पहले बार में इसने कम दिया थोड़ा, 25-26 25-24 इसने भी उतना ही दिया। तो आपने ट्रेनिंग की कहीं से? ट्रेनिंग की कहीं से? ट्रेनिंग नहीं, खुद ऐसे ही बस अपने आप ही तैयार। आपकी तैयारी बेड तैयार करने? हाँ बेड तैयार करने के लिए। और कोई समस्या आती है संभाल लेते हो? समस्या आती है ना, दो बार ड्राई होता है वो भर के ये करना पड़ता है। नहीं जैसे गाय वगैरह कोई बीमार हो जाती है? हाँ सोता सोता कोई डॉक्टर भी आता है ना। अच्छा हाँ कितने पैसे लेता वो डॉक्टर? वो आता है 1500 रुपये लेता है, ले लेता। हाँ एक ट्रिप में। तुम डॉक्टर नहीं बने? नहीं बने डॉक्टर, जानकारी तो इतनी रखते हो। डॉक्टर अभी बनना है। अब बन जाओगे? हाँ बने हुए हो पूरे? हाँ 125 गाय संभाल गए? हाँ नॉलेज तो पूरी हो जाती है। तो खेती 6 एकड़ में क्या बोते हुए? चारा? चारा 2 एकड़ अंगूर है। अंगूर है? हाँ कितना दे जाता है अंगूर? अंगूर कुछ नहीं देता, डाल के डालने का सुबह अंगूर में जर गया सब गटोड़ा, इसमें से तो दूध का ही कमाल है, दूध का बहुत कमाल है। तो रिस्की है अंगूर की? अरे रिस्क है। कितने साल से कर रही है? 4 साल हो गए अंगूर लगा के। नहीं इस गाय का काम कितने साल? गाय का 16 से 2016 से। हाँ उससे पहले से 15 चालू करे खेती करते थे उससे पहले? हाँ उसके पहले हाँ खेती करते। कितने पैसे देने थे लोगों के? हाँ जो खेती करते थे कितने कर्जदार? कर्जदार कितने थे? कर्जदार है? हाँ कर्ज था 5-6 लाख था। हाँ बैंक का? बैंक का, बैंक का दुखा खजगी ऐसे लोगों का। हाँ ऐसे लोगों का भी है। तो ये तो बहुत सताते होंगे बहुत। तो अब सब उतार दिए? सब उतार दिए, गाय से उतार दिए। हाँ गाय से उतार दिए, गाय से उतार के अंकल जी इन्होंने 1 करोड़ रुपए नीचे लगा दिया है। ये सब इनके कस्टमर है, दूध वाले है सब पीछे। ये पीछे जितने खड़े हुए हैं। हाँ अब इनकी मदद करते हो कुछ? हो बहुत मदद है करता है भाई। हैं पैसे से देता है जब गाय खरीदते तो? हैं नहीं तो बता देना उनको। नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।